एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला के ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं केवल एक बार पाँच स्टॉक ही अगर आपने इस कंपनी के खरीद लिए ना दोस्तों तो यकीन करोड़पति आप बन सकते हैं बहुत ही काबिल कंपनी है ये अपने निवेशकों को इसने हमेशा ही शानदार वेल्थ बना के दिए कई बार बड़े बड़े डिप आए इस कंपनी में लेकिन इसकी सेहत पे कभी फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि दोस्तों हिस्टोरिक नतीजे हमेशा प्रेजेंट करती आई है अभी तक ये कंपनी कोविड में थोड़ा बाज़ार में दिक्कत देखने को मिली थी लेकिन इस समय बाज़ार का जो मूड माहौल बनाया गया कि रिसेशन आ रहा है आ रहा है आ रहा है और बहुत सारे लोगों को डरा के बाज़ार से बाहर कर दिया गया हमेशा ही दोस्तों ऐसा होता है आप कभी भी देख लीजिएगा बाजार में बड़े निवेशक कभी भी छोटे निवेशकों को टिकने नहीं देना चाहते हैं पर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए ही आप स्टॉक में पैसा लगाइए क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कंपनियां अच्छी हैं वो लॉन्ग टर्म में हमेशा ही अच्छा रिवॉर्ड देती हैं अपने निवेशकों को और ऐसी एक नहीं दोस्तों सैकड़ों कंपनियों का डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूँ पहले भी तो चलिए देखेंगे कौन सी कंपनी है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि केवल पाँच स्टॉक काफ़ी हैं जो आपको करोड़पति बना देंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और उससे पहले ये कहूँगा कि अगर चैनल पे आप पहली बार दोस्तों आएँ तो करिएगा सब्सक्राइब और चलिए देख लेते हैं कौन सी ये कंपनी है यहाँ पर स्टॉक का डिटेल आपके सामने आ चुका है बहुत ही शानदार कंपनी के तौर पे जानी जाती है बाज़ार में हमेशा ही इसको हमेशा ही बड़े प्रीमियम मिले हैं और फ्राइडे के सेशन में बाज़ार में उठा पटक देखने को जैसे मिली रही आपने देखा लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी वॉलीटलिटी थी सात हज़ार तीन सौ तीन पर यह क्लोज हुआ था लेकिन इंट्राडे हाई सात हज़ार तीन सौ सड़सठ रुपये का लगाया मतलब ऊपर जाने की काफ़ी इसने कोशिश की लेकिन तेजी ऑलरेडी इसमें अच्छी खासी हुई इसलिए ये ज़्यादा तेज हो नहीं पाया क्वार्टर वन में हिस्टोरिक नंबर प्रेजेंट किए इसने आज तक के और दोस्तों लगातार बेहतरीन तेज़ी भी दिखाई अभी तक हफ्ते भर में आप देख सकते हैं पॉजिटिव बट फ्लैट देखने को हमको मिला है एक महीने में काफ़ी खूबसूरत तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है और करीब करीब दोस्तों चौबीस साढ़े चौबीस परसेंट के रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दे डाले केवल और केवल एक महीने में तो वही मैं कहना चाहता हूँ बाज़ार में जब तेज़ी शुरू होती है ना दोस्तों तो फिर क्या होने वाला है पता नहीं चलता आप देख सकते हैं छः महीने में जो कंपनी तीन चार परसेंट भाग रही है वो चौबीस परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न आपको एक महीने में दे रही है तो उसका फ़ायदा तो वही ले सकता है जो दोस्तों गिरावट हुई बाज़ार में है और तेजी भी में बाज़ार में है दो में अभी ये फ्लैट है एक के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं और दोस्तों पहले कंपनी का नाम समझ लीजिए आप वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड फ़ाइनेंस सेक्टर की एक लौती ऐसी कंपनी जिसने निवेशकों को तगड़ा पैसा अब तक कमा के दिया है एक वर्ष की बात करें तो 18 परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं अगर हम बात करें पाँच वर्षों की तो 303 सौ परसेंट तीन परसेंट के रिटर्न दे के आपके पैसे को चार गुने से भी ज़्यादा इस बेहतरीन कंपनी ने कर दिया और मार्केट कैप भी कोई छोटा मोटा नहीं है साढ़े चार लाख करोड़ के आसपास की कंपनी इक्यावन के पी वैल्यूएशन पे ट्रेड होती देखने को मिल रही है इसका जो बिजनेस है दोस्तों जो ये ए एम यू ओन करती है दोस्तों इसका कहना है मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि तीन साल में ये डबल हो जाएगा अगर तीन साल में ये सारा डाटा डबल होता है तो आप समझ सकते हैं बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी आपको पंद्रह हजार के लेवल पे दिखाई देगा और तीन साल में जब भी कोई स्टॉक डबल होता है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को उसमें मिलता है बात करें दोस्तों हम इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न के तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस एक वन ऑफ द बेहतरीन कंपनियों में से एक रही जो एन में काम करती है बड़ी बड़ी बैंकिंग इसके आगे पीछे छूट चुकी हैं दोस्तों इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है आज तक दोस्तों इतने बीस सालों से इसका एन और क्रॉस एन हमेशा ही बेहतर देखने को मिला है इसीलिए आउट परफॉर्म करता है बड़ी बड़ी बैंकों को भी एक लाख छब्बीस हज़ार दो सौ बावन परसेंट के रिटर्न देके लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को इसने बारह सौ तिरसठ गुने से भी ज़्यादा कर दिया है तो बजाज फाइनेंस एक एन बी एफ सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप साढ़े चार लाख करोड़ निफ्टी की पांच कंपनियाँ में या आप कहें देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑलमोस्ट पाँचवें छठवें रैंक पे आता है बजाज फाइनेंस तो ऐसी कंपनी है इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए अगर इस कंपनी के पाँच स्टॉक अगर आप उठा लेते हो दोस्तों आज की डेट में तो आपका जो लगभग निवेश दोस्तों देखने को हमको मिल जाता है अगर हम सात का ही भाव ले लेते हैं तो अगर आप पाँच स्टॉक उठाएंगे इसके तो छत्तीस हजार पाँच सौ पंद्रह रुपये का आपको निवेश करना पड़ेगा छत्तीस पाँच सौ पंद्रह रुपये का ये निवेश आपको एक बार करना पड़ेगा तो देखते हैं ये कैसे आपको कौड़पति बना सकता है चलिए शुरुआत कर देते हैं उस डिटेल की भी तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक लमसम कैलकुलेटर का क्योंकि हम वन टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं एक बार निवेश करके कितना पैसा बनने वाला है इसलिए इसका हम वन टाइम कैलकुलेटर मतलब ऐसे लमसम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो जैसा आपको दिखाया कि सात हज़ार तीन सौ तीन रुपये का भाव है तो स्टॉक में जो निवेश करेंगे पांच स्टॉक के हिसाब से तो छत्तीस हज़ार पाँच सौ पंद्रह रुपये का निवेश हो जाता है दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न पैंतीस परसेंट बजाज फाइनेंस से लिया है क्यों लिया है पचास परसेंट से ज़्यादा की सी इसने दोस्तों मेनटेन की है लास्ट टेन ईयर के अंदर तो पैंतीस काफ़ी अच्छा एक परसेंटेज के हिसाब से दिखाई देता है मुझे नंबर जो ये मेंटेन कर सकती है जिस हिसाब से अभी परफॉर्म करती देखने को मिल रही है बीस साल का टेन्यूर मैंने इसलिए लिया है कि दोस्तों हजारों को लगा के जब करोड़ों की बात करते हैं ना तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों समय तो आपको देना ही पड़ेगा चलिए हमने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक किया तो जो नंबर निकल के आता है वो एक अनबिलीवेबल नंबर आ गया है दोस्तों ये छत्तीस आपका निवेश है और जो वेल्थ बनी है दोस्तों यहाँ देखिए एक करोड़ सैंतालीस लाख बासठ हजार पचास रुपये की वेल्थ तो ऑलमोस्ट डेढ़ करोड़ की वेल्थ बना सकते हैं और बाजार में ये सब संभव है दोस्तों आप ये मत सोचिए इससे इमेजनरी नहीं है इट इज़ रियल बाज़ार में रिटर्न ही सब कुछ है रिटर्न मिलेगा कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी तो रिटर्न आपको मिलेगा और रिटर्न मिलेगा जब मैं पैंतीस की बात कर रहा हूँ लास्ट आगे आने वाले बीस साल के लिए और ये स्टॉक आपने देखा है कि दस साल में पचास से ज़्यादा भागा है हर साल मतलब 50 परसेंट की सी प्लस रही है कुछ समय पहले जो लोग बाजार में पहले से उनको पता है कि बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी जो तो 70 परसेंट की भी सी मेंटेन करता था पहले अभी ये निफ्टी में जब से आया थोड़ी स्पीड इसकी तेज़ी की कम हो गई वरना ये बहुत ही तेज़ चलने वाला स्टॉक है तो दोस्तों पसंद आया वीडियो लाइक कर लेना चैनल पर पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब मिलते हैं है वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय